कैसे हैं आप सब। चलिए करंट अफेयर्स की आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। और आपको जैसे कि पूर्व में बताया भी गया था, कल मैंने आपके ग्रुप में भी आपको अवगत करा दिया था कि किस प्रकार से आपकी कक्षा होगी, किस समय पर होगी, तो निश्चित रूप से इस समय पर उपस्थित होना आपका कर्तव्य है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, और विशेषकर 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। कितने करंट अफेयर्स देखेंगे हम? 16 से 23 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपने एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, और जिस प्रकार से हमारा लिंकेज करने का तरीका है, जिस प्रकार से चीज़ों को हम लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को लेकर चलेंगे और जिस प्रकार से जिस प्रकार से हम चीज़ों को लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस तरह से हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक कवियत्री थी। 16 अगस्त करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, 16 से 23 के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कल मैं एक PDF भी दूंगा, और जो PDF होगा आपको बता दें कि वो PDF जैसे कि बहुत सारे वन लाइनर प्रश्न होते हैं कि किसकी नियुक्ति हो गई है, कौन सी नई पुस्तक लिखी गई है, तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे सप्ताह भर के, उनकी एक PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपके प्रत्येक ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से उस PDF का भी अध्ययन कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से सप्ताह के 100% करंट अफेयर्स आपके कम्प्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले 16 अगस्त के बारे में हम बात कर लें। 16 अगस्त को एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्यों? क्योंकि हमारी एक कवियत्री थी जिनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। हर कोई इनको जानता होगा, यदि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो निश्चित रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। अब ये एक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 16 अगस्त को इनकी क्या थी, जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 117वीं जयंती थी सुभद्रा कुमारी चौहान की 16 अगस्त को। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो गूगल है, गूगल ने इनको एक डूडल होता है, डूडल मतलब जैसे आप गूगल सर्च करते हो लैपटॉप पे, तो जब डूडल किसी का बनाता है तो वहीं सर्च बार के ऊपर वो पिक नुमा आपको दिखता है। तो गूगल ने क्या किया था, डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया था इनके 117वीं जयंती पर, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती हैं। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भारत की पहली महिला सत्याग्रही थी। स्वतंत्र भारत में यदि हम देखें, या उस सत्याग्रही की बात हो रही, तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, तो भारत की प्रथम महिला, ये भी याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही जो थी उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके गीत तो हर किसी के जुबान पे होंगे, आपने झांसी वाला गीत सुना होगा। कौन सा गीत था? बूंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता थी ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। निश्चित रूप से हमने अपने जो आप कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनमें इस कहानी को, इस कविता को निश्चित रूप से पढ़ा होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है बुंदेलों हर बोलों के मुँह, तो यहाँ से चीज़ों को आपको लिंक करना है। क्या बुंदेलों से आप क्या लिंक कर सकते हो? उत्तर प्रदेश में आप लिंक कर सकते हो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लिंक कर सकते हो। क्यों ये महत्वपूर्ण है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो था इसका नाम अब हो गया है अटल पथ, अटल पथ इसका नाम रख दिया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसको हमने कैसे देखा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से इसको हमने रिलेट किया। अटल पथ के साथ साथ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ में एक स्थान होता था जिसको बोलते थे हजरतगंज चौराहा, हजरतगंज चौराहा। और अब हजरतगंज चौराहे का जो नाम है वो बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है अटल चौक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदला जा चुका है, इसका नाम हो गया है अटल चौक, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान को गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया 117वीं जयंती पर, तो आपको याद आना चाहिए कि गूगल जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है, अभिभावक कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? अल्फावेट नामक इसकी पेरेंट कंपनी है। और गूगल इसलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि गूगल अल्फावेट के साथ साथ आपको बता दें एक रोबोटिक कंपनी भी प्रारंभ कर रहा है जिसका नाम है इंट्रिंसिक,
ठीक है। इंट्रेंसिक नामक गूगल एक रोबोटिक कंपनी भी प्रारंभ कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि कभी पूछ लिया जाए कि इंट्रेंसिक जो रोबोटिक कंपनी है ये किस कंपनी की है, तो आपको बताना है कि ये गूगल की एक अभिभावक कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गूगल की कंपनी है, अभिभावक कंपनी तो आपकी अल्फावेट हो गई। इसके साथ साथ आप जानते हैं गूगल ने पिछले दिनों एक मुहिम शुरू की थी, द एनी वेयर स्कूल, द एनी द एनीवेयर स्कूल, इसको प्रारंभ किया था गूगल ने। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बच्चों को जो है किसी भी स्थान पर, मतलब बच्चों की पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए कोविड काल में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल जो है ये गूगल ने शुरू किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में उसके प्रश्न पत्र को देखा होगा। और यदि आपने उसके प्रश्न पत्र का अनुभव किया होगा, अध्ययन किया होगा, तो आप देखेंगे कि जो भी समसामयिक संदर्भों के प्रश्न थे, जो भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न थे, वो आप 100% कर पाएंगे। और जो लोग लगातार, आज आपका 41वां एपिसोड है, जो लोग लगातार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो पेट का एग्जाम हुआ था उसको जाइएगा, देखिएगा, और उसके जो भी प्रश्न है करंट अफेयर्स के, यदि आपका एक भी प्रश्न बच जाएगा तो आप क्लेम करिएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया था और नहीं आया है। सारे के सारे प्रश्न हो रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके जो जीएस के हैं वो भी आपके हो जाएंगे। भूगोल के बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाता है तो लिंक करके पढ़ाया जाता है। जैसे अफगानिस्तान जब मैंने बताया था तो अफगान से संबंधित परियोजनाओं के बारे में बताया था, बांध परियोजनाओं के बारे में हमने बताया है। लगातार जब से अफगान विवाद चल रहा है वो प्रश्न आपकी पेट के एग्जाम में देखने को मिला। मतलब पिछले सप्ताह जिसने भी करंट अफेयर्स का वीडियो देखा रहा होगा उसके दो प्रश्न इस प्रश्न पत्र से सही हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपका बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं चीजों को, आप लगातार साथ बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको देखने को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब चीजें आगे जो हम बढ़ते हैं लिंक करने का जो आपका तरीका है, थोड़ा सा आपको मैंने बोला था कि आप भी थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा कि कोई भी एक मुद्दा उठाइएगा और अभी तक जितना भी आपने करंट अफेयर्स में किया है उसको कोरिलेट करने का प्रयास करिएगा। और यदि आपने किया होगा तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि उसके परिणाम आपको अच्छे मिले होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपको, क्योंकि लिंक करके हम पढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, हम झांसी की बात कर रहे थे, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे और हमने देखा था अटल चौक हजरतगंज के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से लिंक करके कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो समसामयिक संदर्भों में पिछले एक सप्ताह में चर्चा में है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसको बोलते हैं देवबंद, सबने सुना होगा। देवबंद जो स्थान है ये विशेषकर सहारनपुर में पड़ता है, ठीक है, सहारनपुर में आपका पड़ता है देवबंद नामक स्थान। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया था कि देवबंद में जो है एटीएस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एटीएस की स्थापना देवबंद में की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में देवबंद के अलावा भी इस तरह के जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर एटीएस की स्थापना की जाएगी। अब देवबंद मशहूर क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। देवबंद में एक इस्लामिक, आप कह सकते हैं कि एक इस्लामिक यहाँ पर संस्था है, स्कूल है, जिसको बोलते हैं दारुल उलूम। ये पूछा जा सकता है आपको कि दारुल उलूम कहां पर है, विशेषकर यूपी के एग्जाम में। तो दारुल उलूम जो है एक इस्लामिक संस्था है, एक इस्लामिक आप कह सकते हैं कि स्कूल है, और ये आपको देखने को मिलता है देवबंद में, सहारनपुर में। अपने विवादित बयानों के कारण लगातार ये चर्चा में रहते हैं। और आप जानते हैं कि देवबंद से विभिन्न संदर्भों में यदि हम देखें, विभिन्न वर्षों में यदि हम देखें, तो लगातार आतंकी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त रहते हैं उनके आश्रय स्थल के रूप में यदि हम देखें तो देवबंद जो है चर्चित रहता है। और इसी को लेकर यहां पर एटीएस की स्थापना की गई है, इसी को नियंत्रित करने के लिए। अब यूपी की बात हो रही है, देवबंद की हमने बात किया, इन दिनों गाजियाबाद भी चर्चा में है। गाजियाबाद चर्चा में क्यों है? गाजियाबाद के बारे में बता दें, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक ब्रिटेन की संस्था है जिसका नाम आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हाउस फ्रेश। क्या नाम है? हाउस फ्रेश नामक एक संस्था है ब्रिटेन की। उसने एक लिस्ट जारी किया है, एक रिसर्च अपना जारी किया है, और उन्होंने बताया कि विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 49 शहर सिर्फ चार देशों में हैं। ये चार देश कौन कौन से हैं? ये चार देश हैं भारत, पाकिस्तान,
चीन और बांग्लादेश। कहने का मतलब है जो ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र है ये विश्व का सबसे पलूटेड एरिया है, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। और इसने बताया कि 49 जो आपके शहर हैं वो इन चार देशों में आपको देखने को मिलते हैं। अब गाजियाबाद क्यों चर्चा में है? इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व का जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है वो आपका है गाजियाबाद। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वह है गाजियाबाद। तो इस संदर्भ में गाजियाबाद को आपको याद रखना है। पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर जो आपका आता है वो आता है होतान शहर, और होतान शहर है चीन का। HOTAN होतान बोलते हैं इसको। तो होतान शहर जो है ये चीन का है और ये सबसे प्रदूषित शहर है। तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो तीसरे स्थान पर बांग्लादेश का एक शहर आता है जिसका नाम है मानिकगंज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में यदि हम देखें तो हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार होतान शहर चीन का सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद है, और तीसरे स्थान पर मानिकचंद जो बांग्लादेश से संदर्भित शहर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो सबसे प्रदूषित देश है पूरे विश्व का, जो सबसे प्रदूषित देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, सबसे प्रदूषित देश जो है पूरे विश्व का वो है बांग्लादेश, इस रिपोर्ट में बताया गया। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्व का एक ऐसा शहर है, विश्व का एक ऐसा शहर है जहाँ की हवा सबसे ज़्यादा शुद्ध है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो है जुडबुरी, ये शहर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जुडबुरी नामक ये शहर है जो कि विश्व का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश जो है ये विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, मानिकचंद विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अब बांग्लादेश की बात हम कर रहे हैं तो बांग्लादेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमें, और निश्चित रूप से इस तरह से लिंक करके आपको भी पढ़ना चाहिए। अब बांग्लादेश चर्चा में है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, नाम याद आना चाहिए इनका, अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी पूछा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, तो फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ये फादर ऑफ बांग्लादेश। अभी हाल ही में इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और उस दौरान 100वीं वर्षगांठ को मुजीब वर्षों के रूप में बांग्लादेश ने मनाया था। ठीक है, इसके साथ हमने बताया था आपको पिछले दिनों कि भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश के निर्माण के समय, तो उस दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उसके लिए स्मारक बनाने की बात बांग्लादेश ने बोला था। ठीक है, बांग्लादेश स्वाधीनता सड़क बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ स्मारक से संबंधित मैंने आपको जानकारी और दी थी कि प्रथम इस विश्व युद्ध में जो भी भारतीय शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मारक बना रहा है इटली, और इटली के कैसिनो शहर में ये आपका स्मारक बन रहा है, और इसका आप बोल सकते हैं शिलान्यास किया था भारत के जो हमारे कह सकते हैं कि सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी है जो बांग्लादेश के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि 56 वर्षों के बाद एक रेल मार्ग खोला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच जो था चिलाहाटी। ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए, 56 वर्षों बाद खोला गया था चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी। ठीक है, ये रेल मार्ग मैंने आपको बताया था पिछले दिनों पिछले करंट अफेयर्स में, तो निश्चित रूप से आपको याद आना चाहिए। इसके साथ साथ एक जल मार्ग भी शुरू किया गया है, नया है ये, तो मान लीजिए पुराना था क्योंकि ये पहले से चलता था, 11.6 किलोमीटर का ये रेल मार्ग है, पहले से चलता था, लेकिन भारत जो पाकिस्तान जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे उस दौरान जो युद्ध हो रहा था तो उस दौरान इसको बंद कर दिया गया था। एक नया रेल मार्ग तो चला ही है, इसके साथ साथ जल मार्ग भी एक नया खोला गया है जो है सोनामुरा से
दाऊद कांडी, ये मैंने आपको बोला था सोनामुरा से दाऊद कांडी, जो लोग पुराने होंगे उनको याद होगा, सोनामुरा पड़ता है आपका त्रिपुरा में, दाऊद कांडी आपका पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। इतनी जानकारी बांग्लादेश के बारे में बेसिक आपको होनी चाहिए। आपको बता दें एक बच्चा है बांग्लादेश का जिसका नाम है सदत रहमान, ये आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सदत रहमान क्यों? साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इसने बेहतर कार्य किया था जिसके कारण इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यूपी की बात कर रहे हैं तो उसी से लिंक करके कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो इन दिनों समसामयिक संदर्भों में चर्चा में हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप जानते हैं उज्ज्वला योजना काफ़ी सफल रही थी, उज्ज्वला 1.0 जो आपकी योजना थी वो काफ़ी सफल रही थी। तो 1.0 जो सफल रही थी, विशेषकर इसमें जो SC ST समुदाय है, जो हमारा गरीब वर्ग है, आप जिसको कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया था। अब उज्ज्वला 2.0 शुरू किया गया है और उज्ज्वला 2.0 का जो उद्देश्य है, विशेषकर माइग्रेटेड जो हमारे पर्सन है, जो लोग जाके बाहर किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए है कि आपको कोई एड्रेस प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, एक आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि उज्ज्वला 1.0 कहाँ से शुरू किया गया था, उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू किया गया था, क्योंकि हमने इसको उत्तर प्रदेश से लिंक करने की बात की है, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं? तो आपको बता दें उज्ज्वला 2.0 शुरू किया गया महोबा से, ठीक है। उज्ज्वला 1.0 शुरू किया गया था बलिया से, ये आपको पता होना चाहिए। और महोबा की यदि हम बात करें, मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा, तो मंगल पांडे भी की जो वीर भूमि है मंगल पांडे की, वो भी कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना से जुड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि आकांक्षी नीति आयोग जो है, ये आकांक्षी जिले का कार्यक्रम लागू करता है, आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट लागू करता है। आकांक्षी मतलब सबसे पिछड़े जिले, और भारत के जो सबसे पिछड़े 112 जिले थे, इनकी जो रिपोर्ट लागू की गई थी कि किस प्रकार से यहाँ पे विकास कार्य देखने को मिले, इन जिलों में कितना सुधार देखने को मिला, तो इसमें सबसे लास्ट स्थान पे जो हमारा जिला था वो था फतेहपुर, और फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आकांक्षी जिलों की जो सूची थी उसमें सबसे अंतिम स्थान पर फतेहपुर था, और फतेहपुर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रपति पिछले दिनों अपने गृह जनपद गए थे, और गृह जनपद इनका कानपुर पड़ता है, कानपुर के परौंख नामक गांव में, कानपुर के अंतर्गत परौंख नामक गांव पड़ता है जो भारतीय राष्ट्रपति का गांव है, और यहां पर ये गए हुए थे। और इसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने कई सारे म्यूजियम का अनावरण किया था, जैसे कि लखनऊ में किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे सांस्कृतिक स्थल एवं म्यूजियम, ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें जब कानपुर की बात हो रही है तो यहीं पर पास में पड़ता है बिथुर, बिथुर एक क्षेत्र पड़ता है। बिथुर क्यों महत्वपूर्ण था? पिछले दिनों मैंने आपको बताया था एक जामुन की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं जामवंत जामुन, और जामवंत जामुन का निर्यात किया गया था एक देश को, और मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। कहाँ पे निर्यात किया गया था इसका? इसका निर्यात किया गया था लंदन को। किसके द्वारा निर्यात किया जाता है? निर्यात की जो प्रमुख संस्था है कौन सी है? मैंने आपको बताया है एपिडा जो है, एपिडा के माध्यम से निर्यात किया जाता है। एपिडा के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा करंट अफेयर्स पढ़ने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हों तो उससे आपका तीव्र गति से आपका रिवीजन हो जाता है, कुछ चीज़ें नई आप देखने को पाते हैं जो आप करते हैं नोट्स बनाते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि असम की भी दो, जैसे हमने देखा जामुन तो जामुन, इसी तरह से असम के भी दो कृषि उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता है। एक का नाम है बाऊ धान, बाव धान का निर्यात किया जाता था, और एक मैंने नींबू की प्रजाति बताई थी जिसका नाम था कैनक्यू, KANQUI, ये एक नींबू की प्रजाति है जिसको असम से निर्यात किया गया है। तो ये भी कृषि उत्पाद जो हमारे हैं इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमने टॉपिक उठाया था सुभद्रा कुमारी चौहान से, सुभद्रा कुमारी चौहान से हमने इतने चीज़ों को देखा है, मतलब हमने सिर्फ इतना देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई, और 117वीं जयंती को गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया। उसके बाद हमने देखा कि भाई सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक प्रसिद्ध कविता थी जिस
का नाम था, जिसकी बोल थी बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो हमने देखा बुंदेलो, बुंदेलो से हम उत्तर प्रदेश में क्या जोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हम जोड़ सकते थे बुंदेलखंड को। तो हमने तुरंत बुंदेलखंड कनेक्ट किया और बुंदेलखंड कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका नाम बदल कर अटल पथ रख दिया गया है, ये चीज़ें हमने देखी। और इसके साथ साथ हमने देखा कि अटल जी के नाम पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर एक स्थल एक मार्केट पड़ता है जिसको बोलते हैं हजरतगंज चौक, और हजरतगंज चौक का नाम बदल कर रख दिया गया था अटल चौक, ये जानकारी हमने देखा। और जब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कुछ कारणों से पिछले एक सप्ताह में न्यूज में है, जिसमें पहला कारण आपका था कि देवबंद में ATS की स्थापना की जा रही है। देवबंद सहारनपुर जिले में पड़ता है, दारुल उलूम नामक एक इस्लामिक स्कूल यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण ये लगातार चर्चा में रहता है। दूसरा कारण हमने देखा कि गाजियाबाद के कारण उत्तर प्रदेश चर्चा में है, क्यों, क्योंकि गाजियाबाद जो है हाउस फ्रेश की, जो ब्रिटेन की एक संस्था है हाउस फ्रेश, उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें गाजियाबाद का जो स्थान है वो दूसरा आता है। किस चीज़ में दूसरा आता है, विश्व के सबसे ज़्यादा जो 50 प्रदूषित शहरों की सूची है उसमें गाजियाबाद दूसरे स्थान पर विराजमान है, इसलिए हमने देखा। पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर हमने चीन के एक शहर को देखा, दूसरे स्थान पर हमने देखा गाजियाबाद को, तीसरे स्थान पर मानिकचंद हमने बांग्लादेश देखा। पहले स्थान पर हमने देखा था होतान चीन के शहर के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा कि विश्व के जो 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 49 सबसे प्रदूषित शहर जो हैं वो एशिया के 4 देशों के अंतर्गत आते हैं, कौन से, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। और इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो विश्व का सबसे पोल्यूटेड शहर है, और हमने यह भी देखा कि विश्व का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और इसका नाम है जुडबुरी। इतनी जानकारी हमने देखा। जब हमने देखा कि लगातार बांग्लादेश चर्चा में है, बांग्लादेश विश्व का सबसे पोल्यूटेड शहर बोला जा देश बोला जा रहा है, तो हमने बांग्लादेश के बारे में भी कुछ जानकारी अपनी रिपीट की। जैसे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश के जो फादर ऑफ बांग्लादेश बोले जाते हैं उनको बोलते हैं शेख मुजीबुर रहमान बोला करते थे, और इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी जिसको बांग्लादेश ने मुजीब वर्षों के रूप में मनाया था। तो इतनी हमने जानकारी किया बांग्लादेश के बारे में। इसके बाद फिर हमने आगे उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि हमने चीज़ें उत्तर प्रदेश से शुरू की थी और उत्तर प्रदेश से लिंक करके फिर हमने उज्ज्वला योजना को देखा, आकांक्षी जिले कार्यक्रम को देखा। तो इस तरह से यदि आप लिंक करते हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, और जो लोग रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से आप कार्य को सराहते भी हैं, जिससे चीज़ें और बेहतर करने का जो होता है कि मनोबल जो है बढ़ता है और चीज़ें और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ जो सुभद्रा कुमारी चौहान से संदर्भित था, और इस एक टॉपिक से यदि आप देखें तो कम से कम आप देखो तो 25 से 30 प्रश्न हमने हल किए हैं। एक टॉपिक हमने पकड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, जयंती मनाई गई, और उस एक टॉपिक से किस प्रकार से हमने लगभग 25 से 30 प्रश्नों का हल किया। और लिंक करके चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें याद होती हैं। वो आप पुरानी परपाटी भूल जाइए कि आपको एक तरफ से बताया जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं वर्षगांठ पर किसने डूडल बनाया, गूगल ने बनाया, इतना करके पढ़ के यदि आप रह जाते हैं तो भूल जाएंगे। जब आप खुद से थोड़ी मेहनत करेंगे, चीज़ों को लिंक करने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बेहतर होंगी और कभी भी आप उनको भूलेंगे नहीं। तो बार बार कहता हूँ, चीज़ों को लिंक करने का प्रयास करें, लिंक करके पढ़ने का प्रयास करें, चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। वो जो पुरानी परिपाटी है लोगों की पढ़ाने की, जहाँ से आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उसको भूल जाइए, ठीक है। इस तरह से यदि आपको पढ़ना है एक लाइन, तो अपना समय क्यों लाइव में बेकार करना है, क्यों लाइव सेशन में समय बेकार करना है। एक कोई मासिक पत्रिका ले लिया और उस मासिक पत्रिका को 2-3 बार हमने रिवाइज कर दिया। यदि मान लीजिए सिर्फ इतना ही पढ़ना हो कि एक लाइन कि उत्तर प्रदेश में कहां पर ATS की स्थापना की गई, आपने पढ़ना है देवबंद, तो इतने के लिए भाई हमें किसी का लाइव सेशन, हमें यूट्यूब पे क्यों आना है। इतने के लिए तो हम कोई एक पुस्तक ले लें और हम जितना समय यूट्यूब पे देंगे उतने समय में उस पुस्तक का कम से कम 10 बार रिविजन कर लेंगे। तो प्लीज इन चीजों से बचें, बेहतर ढंग से पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे मेरे से पढ़ो, आप स्वयं
से बुक ले लो, पुस्तक ले लो, स्वयं से पढ़ो और अपना जितना भी अभी तक पढ़ा है स्वयं से लिंक करने का प्रयास करो, चीज़ें बेहतर होंगी। और यही आदत यदि बनी रही निश्चित रूप से आपको जीएस में भी इससे मदद मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ यूके ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम हुआ था आप जाके देख लीजिएगा, सभी के सभी प्रश्न करेंट अफेयर्स के निकलेंगे ही, साथ ही साथ जीएस के भी जो प्रश्न हैं वो भी आप आसानी से कर सकोगे क्योंकि आप हमारे क्लास में रेगुलर बने थे। आप करके देख लीजिएगा, कोई भी एक बच्चा बोल देगा कि सर ये करंट अफेयर्स हमने नहीं पढ़ाया गया है, तो मैं आपको जो भी आप बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। निश्चित रूप से सारे प्रश्न कल मैंने देखे थे, सारे के सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो रहे हैं। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, दूसरा हमें जो टॉपिक देखना है, दूसरा टॉपिक आज की कक्षा का है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्या है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? ऑपरेशन देखो, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर आप लिखते क्या हो पता नहीं चलता है। तो भैया नहीं पता चलता है, बोलता तो हूं ना मैं, उसको पकड़ा करो, उसको कैच किया करो, यहां पे क्या लिखा जा रहा है इससे क्या मतलब आपका, ठीक है? तो यहाँ जरूरी नहीं कि एक अक्षर अस्पष्ट लिखूं, ठीक है? मैं बोल रहा हूं तो उसको आप सुनो, सिर्फ सुनने का प्रयास करो। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये है क्या? सबसे पहली बात आपको बता दें, इसका पूरा नाम जो है ये है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड्स रिकॉर्ड्स। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड्स रिकॉर्ड, इसका पूरा नाम है। और आपको बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अब बात आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे कौन है? तो याद रखिएगा वीरेंद्र सिंह हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अब बात आती है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या? तो आपको बता दें ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए है। किन के लिए है? दिव्यांगजनों के लिए है। क्या है ये? इसके अंतर्गत कुछ दिव्यांग व्यक्तियों का चयन किया गया है और इन दिव्यांग व्यक्तियों को जो है सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? जैसे आप बोलते हो ट्रैकिंग के लिए भेजा जाएगा, तो उसी के लिए इनको भेजा जाएगा। कहां तक इनको भेजा जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर में एक हमारी पोस्ट पड़ती है लास्ट, जिसको बोलते हैं कुमार पोस्ट, ठीक है? तो इनको कुमार पोस्ट तक भेजा जाएगा। कुमार पोस्ट यदि आपके दिमाग में आता है भाई कुमार पोस्ट क्यों नाम रखा गया, तो आपको बता दें हमारे एक कर्नल हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल नरेंद्र कुमार, इनकी वीरता के कारण इस पोस्ट का ही नाम रख दिया गया था कुमार पोस्ट। तो कुमार पोस्ट तक इन दिव्यांगजनों को भेजा जाएगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, सियाचिन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जब हमारे दिव्यांगजन इन चीज़ों को कर सकते हैं, हमारे दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से पीछे नहीं हैं, तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी यूथ है, वो विशेष क्षेत्रों में पीछे क्यों रह रही है? उनको भी सामने आना चाहिए। तो विशेष रूप से यदि आप देखें तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि युवा भी इस क्षेत्र में आएं, युवा भी कर सकते हैं, जो अपने आप में दिव्यांग होने के बाद भी यदि सामान्य व्यक्ति है तो भी हीन भावना रखता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए कि इनको एक आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन प्रदान करने के लिए अन्य लोगों को ये कार्यक्रम किया जा रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा। कुमार पोस्ट तक ये व्यक्ति जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सियाचिन, तो एक शब्द आप सुनते होंगे अक्साईचिन। अक्साई चिन ये क्या है? आपको बता दें अक्साई चिन मतलब बोला जाता है कि एक ये ट्राई जंक्शन है। क्या है? ट्राई जंक्शन है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों की सीमाएं मिलती हैं। एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना तीनों की सीमाएं आकर मिलती हैं, उसको बोलते हैं अक्साई चिन। और ये क्षेत्र वर्तमान समय में चाइना के कब्जे में है, ठीक है? चाइना के कब्जे में क्षेत्र है, लद्दाख के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बहुत सारे पोर्टल और जो है कार्यक्रम लॉन्च किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था पीएम दक्ष, तो इनको नोट कर लीजिएगा, ये अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम हैं। सुगम्य भारत कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, सुगम्य भारत, ठीक है?
सुगम्य भारत के बाद आई मेसा पहल इन्होंने शुरू किया था, आई मेसा पहल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रखना है पोषण अभियान इन्होंने शुरू किया था, पोषण अभियान, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वृद्धजनों के लिए। तो इनके जो अभियान है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी इन्होंने शुरू किया था, तो ये भी आपको याद आना चाहिए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल, सुगम भारत पोर्टल, ई मेसा पहल, पोषण अभियान और एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी पूर्व में किया गया है, पूर्व में किया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब ऐसे कि इसको कैसे मंत्रालय से हम लिंक कर सकते हैं, इसको अन्य मंत्रालयों से लिंक करने का मतलब है कि जो सप्ताह भर में चर्चा में रहे हैं मंत्रालय उनसे लिंक करना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके पूर्व में मंत्री हुआ करते थे बिहार के रविशंकर प्रसाद, लेकिन वर्तमान समय में मंत्रालय चेंज हुआ है, तो वर्तमान समय में हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन देख रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी नहीं, वीडियो के समापन के बाद इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज शुरू किया है। क्या किया है? अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज शुरू किया है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए कि अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपको टिक करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोयला मंत्रालय भी इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जान रहे हो अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, ठीक है। कोयला मंत्रालय क्यों चर्चा में है? कोयला मंत्रालय ने बोला है कि कोयला मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें लाखों की संख्या में वृक्षों का रोपण किया जाएगा। तो आपसे इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि किस मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपको जवाब देना है कि कोयला मंत्रालय ने ये किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये आपका टॉपिक था, ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है, मंत्रालयों से संबंधित जो आपका टॉपिक था समाप्त हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कि सप्ताह भर में स्वास्थ्य से जुड़े हुए कौन से घटनाक्रम हुए हैं, उनके बारे में हम जानने का समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ पहला करंट अफेयर्स है। आप जानते होंगे जब कोविड की पहली वेव आई थी तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग पूरा विश्व बोल रहा था कि कोविड की जो शुरुआत है वो वुहान से हुई है, चीन से हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। तो इसी की पुष्टि करने के लिए WHO ने एक समिति बनाया है। किस लिए समिति बनाया है? COVID-19 की उत्पत्ति की जाँच करने के लिए एक सलाहकार समूह बनाया है और इसका नाम रखा है सागो। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये सागो क्या है, सागो है COVID-19 की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके लिए जांच करने के लिए एक समूह बनाया गया है WHO द्वारा, जिसका नाम दिया गया है सागो, इसलिए ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, सागो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है COVID-19 की, तो आपको बता दें एक हमारा IT संस्थान है जिसको बोलते हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने अभी हाल ही में क्या किया है, IIT बॉम्बे ने एक खोज किया है इंफ्रारेड किरणों से संबंधित, और इनके द्वारा जो इनकी डिवाइस है इनमें ये इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से बता देंगे कि कोविड का कौन सा मरीज क्रिटिकल स्टेज में है। तो कोविड के मरीजों के स्टेज का पता लगाने के लिए IIT बॉम्बे ने एक डिवाइस बनाई है जो इंफ्रारेड किरणों पर आधारित होगी, ये आपको पता है होनी चाहिए, और ये गंभीर कोरोना मरीजों की जो है वो पहचान करेगी। तो IIT बॉम्बे भी जुड़ गया कोविड से। इसके साथ साथ आप जानते हैं WHO की बात हो रही है, तो WHO ने पिछले दिनों बोला था कि ये बायो हब फैसिलिटी बना लिए हैं, बायो हब फैसिलिटी, और ये बायो हब फैसिलिटी बना कहां पे है ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो थोड़ा सा लाइट का इशू था, स्क्रीन बंद हो गई थी जिसके कारण थोड़ी सी समस्या हुई थी, क्लास आपकी रुकी थी, तो वीडियो को, दोनों वीडियो को मर्ज किया गया है, तो चीज़ों को समझ लीजिएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे कि WHO ने क्या है, WHO ने
बायो हब फैसिलिटी बनाया है। क्या बनाया है? बायो हब फैसिलिटी, ठीक है। कहाँ पर बनाया है ये महत्वपूर्ण है। WHO ने बायो हब फैसिलिटी बनाया है। कहाँ पे बनाया है? ये बनाया है स्पाइज में। कहाँ पर? SPIEZ। स्पाइज शहर कहाँ पर है ये आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और जितने लोग वीडियो पसंद करते हो सबकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि स्पाइज शहर आपको किस देश में देखने को मिलता है जहां पर WHO ने बायो हब फैसिलिटी बनाई है। WHO की बात करें आप जानते हैं जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानो इसके प्रमुख हैं, DG हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे बात हो रही थी COVID-19 की कि हमने बताया कि IIT बॉम्बे है जिन्होंने एक इंफ्रारेड आधारित एक डिवाइस बनाई है जो पता लगाती है, जो बताती है कि कोविड का मरीज किस स्टेज पर है, कौन गंभीर रूप से पीड़ित है। अब इसमें यदि हम देखें, बात हो रही थी जब कोविड की, तो कोविड के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे लगातार वैक्सीन से संबंधित जानकारी आ रही है, जैसे भारत में इस समय 5 वैक्सीन हैं जिनको अनुमति दी गई है। कौन कौन सी दी गई है? पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था, पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, ठीक है, तीसरा आपका आता है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 बोलते हैं इसको। इसके बाद चौथा आता है मॉडर्ना mRNA 1273 वैक्सीन। इसके बाद मैंने आपको बताया जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है सिंगल डोज, ये बताई गई है। अब इनमें से कुछ नाम मैंने आपको बताए, जैसे ये जो 4 नाम हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी, मॉडर्ना, mRNA, पूर्व में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाई गई है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अनिवार्य रूप से बताना है यदि आप करंट अफेयर्स का प्रोग्राम पसंद करते हैं और चाहते हैं कि कंटिन्यू आपके लिए रहे, तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि किस कंपनी ने इन वैक्सीन को बनाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था साइनोफार्म नामक भी वैक्सीन बनी है और इसको बनाया है चीन ने। ये जानकारी आपने देखा था, साइनोफार्म नामक वैक्सीन चीन ने बनाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि WHO की हमने शुरुआत किया था, WHO की हमने बात किया था, तो आपको बता दें WHO ने अभी हाल ही में 2 देश, श्रीलंका हो गए और मालदीव हो गए, जिनको खसरा रुबेला मुक्त घोषित किया है। दूसरा अफ्रीका आपका देश है, अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। क्या किया है? पोलियो मुक्त घोषित किया है। और 2 देश आपके थे, श्रीलंका और मालदीव, जिनको खसरा रुबेला मुक्त घोषित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बेसिक जानकारी थी, जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां थी जो इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण थी, उनकी चर्चा हमने यहां पर किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला आपका टॉपिक जुड़ता है अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से जुड़ता है और निश्चित रूप से इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अफगानिस्तान से कैसे जुड़ता है? अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो वर्तमान समय में तालिबान की सरकार है, उन्होंने अपने राष्ट्रपति की घोषणा की है और उन्होंने बताया कि जो तालिबान के सह संस्थापक हैं मुल्ला बरादर ये अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? मुल्ला बरादर ये अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अफगान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है यदि हम बात करें तो अफगानी यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, अफगानी यहाँ की मुद्रा है, जो आपको पता होना चाहिए। राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, ये आपको पता होना चाहिए। ये चर्चा में क्यों है अफगानिस्तान इन दिनों चर्चा में? क्योंकि तालिबान लगातार एक एक क्षेत्रों को कब्जा करता चला जा रहा है और जो पंजशीर घाटी है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पंजशीर घाटी को भी तालिबान पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो आपको बता दें कि विश्व समुदाय जो है, जो वैश्विक समुदाय है, वो कह रहा है ठीक है यदि तालिबान शांतिपूर्वक कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर शांति सैनिकों के भेजने की आवश्यकता है, जिससे तालिबान जो है नागरिकों का आप कह सकते हैं कि
शोषण ना कर सके, नागरिकों को प्रताड़ित ना कर सके। तो शांति सैनिकों को भेजने की बात हो रही है, और शांति सैनिकों की भेजने की बात हो रही है, इन्हीं को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि भारत ने सबसे ज़्यादा, भारत भी बहुत सारा योगदान करता है शांति सैनिकों का, ठीक है, भारत बहुत सारा फंड देता है इनको, भारत के बहुत सारे जवान इनमें कार्य करते हैं पीस कीपिंग फोर्स में। और विशेषकर पीस कीपिंग फोर्स ऐसे देशों में भेजी जाती है जहां पे राजनीतिक अस्थिरता हो और उसके चलते वहां पे स्थितियां सामान्य ना हो। विशेषकर अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे घाना हो गया, कांगो हो गया, कांगो प्रजातांत्रिक हो गया, तो इस तरह के जो अफ्रीका, सूडान हो गया, इस तरह के जो देश हैं अफ्रीका के, वहां पे पीस कीपिंग मिशन लगातार चल रहा है, नाइजीरिया में चल रहा है। तो जो अफ्रीका के देश हैं, विशेषकर जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनमें लगातार इस तरह के मिशन चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही थी शांति सैनिकों की, कि शांति सैनिकों के भेजने की बात की जा रही है, किसको? जिसको बोलते हैं यूएन पीस कीपर, ठीक है, यूएन पीस कीपर। तो आपको कुछ जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात बता दें कि यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसका भी एक अपना सर्वोच्च पुरस्कार है। वो सर्वोच्च पुरस्कार क्या है आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है डैन, नोट कर लीजिएगा, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, डैन हैमर्स HAMMARSK टैम हैमर्स जोल्ड JOLD मेडल, ठीक है। ये क्या है? डैन हैमर्स जोल्ड मेडल, ये क्या है? शांति रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको पता होना चाहिए, बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें, बात हम कर रहे थे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की, तो यूनाइटेड नेशन जो शब्द जुड़ा है, तो यूनाइटेड नेशन भी एक पुरस्कार देता है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन यूक्वेटर प्राइज। इक्वेटर प्राइज दिया जाता है, आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन द्वारा इक्वेटर प्राइज दिया जाता है, और ये महत्वपूर्ण भी है। क्यों दिया जाता है? समाज कल्याण के कार्य के लिए दिया जाता है, विभिन्न संगठनों को दिया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा दिया जाता है। और अभी हाल ही में दो संस्थाओं को दिया गया, दोनों भारत के हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण है, दो भारतीय संस्थाओं को ये मिला है इक्वेटर प्राइज, यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? पहला है स्नेहा कुंज ट्रस्ट, ये पहली संस्था है। दूसरी संस्था का नाम थोड़ा टिपिकल है, तो इसको अलग से मैं आपको बता देता हूँ। क्या नाम है दूसरी संस्था का? अधिमलाई पजांग PAZHANG गुडनियार और प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ आधिमलाई इतना याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, आधिमलाई और दूसरा स्नेहा कुंज, इन दो संगठनों को जो है यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है इक्वेटर प्राइज? मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी यूनाइटेड नेशन की, तो आपको बता दें हमारे अस्थाई प्रतिनिधि जो यूनाइटेड नेशन में है, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। क्या नाम है? TS त्रिमूर्ति हमारे अस्थाई प्रतिनिधि हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बेसिक जानकारी थी जो हमने देखा। इसके साथ साथ दो और पुरस्कार हैं यूनाइटेड नेशन के, वो आपको पता होना चाहिए, उसको भी नोट कर लीजिएगा यहीं पर। क्या है? यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, और यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो दिया गया भारतीय हैं श्याम सुंदर जियानी। किसको दिया गया? श्याम सुंदर जियानी, ये महत्वपूर्ण है नाम, ठीक है। इसके बाद एक पुरस्कार और आता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम अवार्ड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, और ये दिया गया है
फिलीपींस के एक महिला हैं जिनका नाम है मारिया रेसा। मारिया रेसा ये आपको याद रखना है कहाँ की हैं, फिलीपींस, ठीक है। एक देश है फिलिस्तीन, एक है फिलीपींस, तो फिलीपींस की यहाँ पे बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मारिया रेसा को दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के पुरस्कारों की बात हो रही है, तो इसी को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रेस के लिए दिया जाता है जो निर्भय पूर्ण, आप कह सकते हैं बिना डरे पत्रकारिता करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को दिया जाता है। और आपको बता दें फिलीपींस की जब बात आ रही है, फिलीपींस की एक आप नाम और याद रखिएगा, हिडलिन डियाज, एक नाम याद रखिएगा, हिडलिन डियाज। ये नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि पहली बार ओलंपिक में फिलीपींस ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये जो स्वर्ण पदक दिलाया है ये दिलाया है हिडलिन डियाज ने, इसलिए इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अब यहीं से लिंक करके, क्योंकि आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की स्थिति की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो घोषित हुए हैं मुल्ला बरादर, उनकी बात कर रहे थे, तो इसी के साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो परिस्थितियाँ तैयार हुई हैं वो अमेरिकी सैन्य बलों के हटने के कारण हुई हैं, ठीक है। अमेरिकी सैन्य बलों के हटने के कारण हुई हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, याद रखिएगा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक है जो यहाँ की संसद द्वारा दिया जाता है, उसका नाम है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है। ये संसद द्वारा दिया जाता है, किसकी संसद द्वारा, यूएसए की संसद द्वारा दिया जाता है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जिसको बोलते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। और यह पहले व्यक्ति शायद बन सकते हैं महात्मा गांधी, शायद यह पुरस्कार, क्योंकि नाम चल रहा है चर्चा में, शायद यह पुरस्कार महात्मा गांधी को मिले और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे महात्मा गांधी। दूसरा, एक और दूसरा सर्वोच्च नागरिक, ये तो हमने बताया कि ये संसद द्वारा दिया जाता है, वहाँ की सदन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये सदन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं अमेरिका में, उसका नाम आपके लिए पता होना चाहिए, उसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये आपको दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो याद रखिएगा अमेरिका के दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक राष्ट्रपति द्वारा जो दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, एक पुरस्कार जो वहाँ की सदन द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, जिसके प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा जुड़ता है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से, जो कि सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है। तो कुछ सैन्य अभ्यास हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इन दिनों चर्चा में है। जैसे सबसे पहला सैन्य अभ्यास है इन दिनों जो चर्चा में है इस सप्ताह में, वो है कोंकड़, ठीक है। कोंकड़ सैन्य अभ्यास, ये सबसे पहली बात कि किसके बीच आयोजित किया जाता है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। और आपका दूसरा होमवर्क, भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य कौन से सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं वो आप हमें बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है कोंकड़, और आपको बता दें यहाँ पे INS तवर को भेजा गया है। किसको भेजा गया है, INS तवर को यहाँ पे भेजा गया है। और INS तवर वही हमारा युद्धपोत है, वही जहाज है जो हमने सेंट पीटर्सबर्ग में भी भेजा था, सेंट पीटर्सबर्ग में भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि रूस का सेना दिवस था, ठीक है। इसके साथ साथ यही जहाज हमने इटली में भी भेजा था, एक सैन्य अभ्यास इटली में हुआ था, वहां भी हमने भेजा था INS तवर को, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद एक सैन्य अभ्यास है जायद तलवार, जायद तलवार, और जायद तलवार जो सैन्य अभ्यास है ये UAE और भारत करते हैं मिलकर, ठीक है, UAE भारत करते हैं। इसके साथ एक सैन्य अभ्यास हमने अभी, ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि पिछली कक्षा में हमने बताया था, सऊदी अरब के साथ हमने पहली बार सैन्य अभ्यास किया है, जिसका थोड़ा सा नाम मैं बता देता हूँ आपको, अल मोहद।
तो इसका पूरा नाम क्या है? अल मोहद मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास था, पूरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दें, भारत का जो बेस्ट जहाज है वो है INS सह्याद्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। INS सह्याद्री को भारत का बेस्ट जहाज का तमगा मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं जैर अल बहर, पिछले क्लास में हमने देखा था भारत और कतर के बीच है, भारत और कतर की सेनाओं के बीच है, जहां पे INS त्रिकंड भेजा गया था और फारस की खाड़ी में यह सैन्य अभ्यास हुआ था। जैर अल बहर भारत और कतर के बीच INS त्रिकंड गया था, फारस की खाड़ी में यह सैन्य अभ्यास हुआ था। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक यहां पे हमारा पोर्ट है जिसको बोलते हैं गोपालपुर पोर्ट, ठीक है, गोपाल, क्योंकि जहाजों की बात कर रहे हैं तो पोर्ट पे ही जाते हैं। गोपालपुर पोर्ट ये पड़ता है उड़ीसा में, कहाँ पे पड़ता है? गोपालपुर पोर्ट पड़ता है उड़ीसा में, और अभी यहाँ पर ये एक प्रकार से हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे INS खंजर गया था, ठीक है। अभी हाल ही में INS खंजर पहली बार गोपालपुर पोर्ट गया था, और गोपालपुर पोर्ट एक हेरिटेज साइट है उड़ीसा के अंतर्गत, ठीक है। अब अगर उड़ीसा के अंतर्गत है तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें उड़ीसा के बारे में जाननी चाहिए। जैसे अभी एक डेटा दिया गया है जिसमें बोला गया सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल, इसको आप नोट कर सकते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको भारत में नंबर वन बताया गया है। किसमें बताया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा का जो प्रदूषण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड है, उसको नंबर वन बताया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ लिंक करके आपको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं भारतीय हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य था उड़ीसा, और उड़ीसा ने अगले 10 वर्षों के लिए हॉकी को प्रायोजित करने का एक बार फिर से फैसला किया, मतलब अगले 10 वर्षों तक फिर से उड़ीसा भारतीय हॉकी को प्रायोजित करेगा। हॉकी की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए हॉकी के हमारे कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, और मनप्रीत सिंह जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी टोक्यो ओलंपिक में, तो वहाँ पे ध्वजवाहक हुआ करते थे। किसके साथ ध्वजवाहक हुआ करते थे? ये ध्वजवाहक थे मैरी कॉम के साथ, ठीक है, मैरी कॉम के साथ ये ध्वजवाहक थे, ये आपको पता होना चाहिए। मैरी कॉम इस बार कोई पदक नहीं जीत सकी हैं, ठीक है, लेकिन एक महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है मैरी कॉम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब यहाँ पर मैरी कॉम की बात हो रही है तो एक नाम आपको याद रखना है, मारिया, मारिया सूदन। मारिया सूदन क्यों याद रखना है? मारिया सूदन इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की महिला हैं, और जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला बनी है मारिया सूदन, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आपको दो ऐप याद आने चाहिए, पहला तामीर तरक्की, दूसरा हमारी सड़क, ये दो ऐप आपको याद आने चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक गांव भी याद आना चाहिए जिसका नाम था बेयान। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि भारत का 100% टीकाकरण वाला जो गांव है वो बना था, सबसे पहला टीकाकरण वाला गांव जो बना था 100% वो था बेयान, इसलिए ये गाँव भी आपको याद आना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% टीकाकरण कर लिया है पहला डोज, तो लद्दाख मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था 100% टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे पहला राज्य कौन सा बना है, ये भी आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य है पहला राज्य जिसने 100% टीकाकरण अपने नागरिकों का कर लिया है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शहर भी कौन सा है ये भी आप बताएंगे। शहर मैंने आपको बताया था भुवनेश्वर, कि भुवनेश्वर जो शहर है 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, एक मैराथन अभी हाल ही में आयोजित की गई जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है जज्बा ए तिरंगा। क्या है? जज्बा ए तिरंगा मैराथन, और याद रखिएगा जज्बा ए तिरंगा मैराथन ये किया गया जम्मू कश्मीर में, और ये 400 किलोमीटर की मैराथन है। कितने की है? 400 किलोमीटर की मैराथन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मानसिक रूप से जो लोग पीड़ित हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन है जिसको बोलते हैं सुकून, ये शुरू किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में भी पता होनी चाहिए।
तो मैंने आपसे पूछा है वह कौन सा राज्य है जो 100% टीकाकरण कर लिया है, वो राज्य आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपसे बोला कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने अपने नागरिकों को पहली डोज 100% लगवा दी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया मैरी कॉम की, यहाँ पे हमने बात किया मनप्रीत सिंह की। तो आपको बता दें स्पोर्ट की जब बात हो रही है तो अभी हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता समाप्त हुई है। कौन सी प्रतियोगिता? विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता। और ये कहाँ पे हुई थी? ये पोलैंड में हुई थी। पोलैंड की राजधानी है वारसा, यहाँ की मुद्रा है जलोटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पिछले दिनों पोलैंड का एक शहर था जिसके एक चौक का नाम हरबंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया था, दिनों का मतलब पिछले वर्ष, ठीक है। और इसमें कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो कुल 15 पदक जीते हैं, और इन 15 में से 8 हैं गोल्ड, 2 हैं आपके सिल्वर, बाकी के जो बचते हैं वो हैं ब्रॉन्ज। अब यहाँ पर आपको 3 खिलाड़ियों को प्रमुख रूप से याद रखना है। पहला है कोमालिका बारी, कोमालिका बारी, ठीक है, तीरंदाज हैं हमारी। दूसरा याद रखना है प्रिया गुज्जर, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तीसरा नाम आपको याद रखना है विशाल चंगमई, VISAL, ये इसी तरह से इनका नाम लिखा जाता है, वी से नहीं बी से लिखा जाता है, CHANG चंगमई, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये हैं असम के, ठीक है। ये 3 नाम याद रखने हैं, और इसमें से प्रिया गुर्जर ने रिकॉर्ड बनाया है क्या कि पहली बार कोई युवा तीरंदाज है जो विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता में एक साथ 2 स्वर्ण पदक जीती, मतलब एक ही प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो हमारी युवा तीरंदाज पहली बनी है वो है प्रिया गुज्जर। ये कहाँ की हैं? तो ये राजस्थान की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तीरंदाज हैं। कोमालिका बारी आप जानते हैं झारखंड से संबंधित हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड की हमने बात किया, झारखंड से संबंधित हमने चर्चा देखा, तो इससे संबंधित हमने जानकारी कर लिया। तो कोमालिका बारी, प्रिया गुज्जर, विशाल चेंगमई, ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। नाम दे के पूछा जा सकता है कि किस खेल से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे महिलाओं की, महिलाओं से संबंधित बात हम कर रहे थे, मैरी कॉम की हमने बात किया था। तो आपको 3 ऐसी महिलाएं बता देते हैं जो आपको याद रखना है, कौन कौन से। पहला नाम आता है हिमा कोहली, तेलंगाना की चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, हिमा कोहली। दूसरा नाम आपको याद रखना है बीबी नागरत्ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए, बीबी नागरत्ना। और तीसरा जो नाम आता है वो है बेला त्रिवेदी, ठीक है, हिमा कोहली, बीबी नागरत्ना, बेला त्रिवेदी। अब इसमें जो बीबी नागरत्ना है ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है आपको बता दें कि जो वर्तमान समय में हमारे चीफ जस्टिस हैं ये 2027 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा, और 2027 के बाद जो अगली, सब कुछ सामान्य रहा तो अगली जो हमारी चीफ जस्टिस बनेंगी वो बनेंगी बीबी नागरत्ना, ये आपको याद रखना। और पहली चीफ जस्टिस होंगी, पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी बीबी नागरत्ना, इसलिए इनका नाम याद रखना है। आपको पता है कोलिजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वर्तमान समय में हमारे देखें तो 25 न्यायाधीश हैं, ठीक है, 25 न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में। और हमारे जो पद रिक्त हैं, जो हमारे पद रिक्त हैं उनकी यदि हम बात करें तो जो भी पद रिक्त हैं यहाँ पे, उनको भरने के लिए जो नाम दिए गए हैं उनमें से 3 महिलाओं के नाम हैं, ठीक है। और ये 3 महिलाओं के नाम जो हैं ये आपके हैं, हिमा कोहली, बीबी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखने को पाओ कि ये 3 जो महिलाएं हैं इनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। और इसमें से बीबी नागरत्ना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखती हैं, और जो सामान्य सा जो क्रम अभी तक कोलिजियम सिस्टम चलता आ रहा है उसके आधार पर इन्हीं का नंबर सबसे पहले होगा, ठीक है। और हिमा कोहली के बारे में हमने बता दिया कि तेलंगाना की हैं, तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए, आज की जो करंट अफेयर्स की चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। कल मैंने आपको PDF देने को बोला है तो कल आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, धन्यवाद।